यह पोखरी टोला के चंद्रपली के घर के पास का ट्रांसफार्मर है। यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूर पर जेई साहब का अपना पूरा महकमा बैठता है, लेकिन जेई साहब ट्रांसफार्मर क्या ठीक कराएंगे जब वो फ़ोन उठाने का उनके पास वक्त ही नहीं है। बार बार उनसे फ़ोन करके इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन ना जाने वो क्यों रूठे हुए हैं। अब यह इनकी किस्मत कहें या मामा शिवराज सिंह चौहान का अपना ध्यान और अधिकारियों पर उनका नियंत्रण का अपना तरीका, कि उनके अधिकारी इन गरीब कुनबे लोगों का यह दर्द दूर करने में बिल्कुल अक्षम है। चुनाव सर पर है और अगर ऐसा ही रवैया हर अधिकारियों का ग्रामीणों के पद रहा तो इनका भी रवैया मामा के खिलाफ ही जाएगा। कहीं ऐसा ना हो ये सब मामा शिवराज सिंह को कंस मामा की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दें, क्योंकि इस जले हुए ट्रांसफार्मर में ना इनकी सिर्फ फसल सूख गई, सब्जियां सूख गई, बल्कि अब मवेशियों को जान खोने का खतरा है। क्योंकि पीने का पानी तो जैसे तैसे यह लोग कहीं ना कहीं से लाकर इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन मवेशियों के लिए पानी कहाँ से लाएं, सिंचाई करने के लिए फसल के लिए पानी कहाँ से लाए। जो साग सब्जी लगाई थी वो सब सूख गई और जो फसल कटाई और मवेशियों को पानी पीने की थोड़ी बहुत आस थी उस ट्रांसफार्मर के साथ जल गई। हमारे साथी मिठाई लाल यादव ने यह पूरी की पूरी खबर बिना लाग लपेट के जेई साहब तक पहुंचाने के लिए बनाई है कि हो सकता है वो व्हाट्सएप पर ही इसको चेक कर लें। फ़ोन उठाने में उनको समय ज़्यादा लगता है, वैसे भी अधिकारी हैं और इस समय डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकारों में अधिकारियों के पास वक्त थोड़ा कम होता है कि वह लोगों के दुख दर्द को दूर कर सकें। मामा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश शायद अपने आंचल से सिंगरौली के इस पोखरी टोला को किनारे रख कर देख रहा होगा मध्य प्रदेश की दूसरी दुनिया को। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मिठाईलाल, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सिंगरौली ज़िले के सरई तहसील के अंतर्गत यह ग्राम पंचायत पोखरी टोला। यह पोखरी टोला का एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जो कि विगत एक माह से ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए हैं, ये खाली जला हुआ ट्रांसफार्मर पड़ा है। आइए, यहाँ के कुछ उपभोक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं एक्चुअली यह क्या है। तो बताएं आप अपना नाम। मनियार सिंह जी। मनियार सिंह जी, ये कितने दिन से जला है ट्रांसफार्मर? एक माह से। एक माह से, तो इसका संबंधित कोई अधिकारी को सूचना दिए हैं आप? जी जी। कहाँ दिए हैं? सरई में। सरई बिजली ऑफिस में जानकारी दिए हैं? जी जी। और इसके अलावा किसको जानकारी दिए हैं आप? 181 में कॉल किए थे, 8-10-15 बार, कोई अभी सुनवाई नहीं हो रहा है। जी, तो 181 के द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? हो गया, कह रहे हैं कि निराकरण तुम्हारा जल्द से जल्द हो जाएगा, अभी निराकरण नहीं हो पाया। अच्छा जी, तो कितना दिन जला है ये ट्रांसफार्मर? एक माह। जी, एक माह से। अच्छा, और शिकायत कितने दिन हो गया कि 181 पे? शिकायत तत्काल हुआ था। नहीं, शिकायत किए कितना दिन हो रहा है? शिकायत के 10-15 दिन हो रहा है अभी। अच्छा जी, और किसी जनप्रतिनिधि को जानकारी दिए हैं क्या? जिला सदस्य, जनपद सदस्य को दिए हैं। अच्छा जी, बताएं सर आप अपना नाम। चंद्रवली सिंह जी, इसके संबंध में क्या कहना रहेगा, कैसे कि इनको जानकारी दिए हैं आप? जिला सदस्य को भी बताए, वो भी गए थे बिजली ऑफिस, जनपद सदस्य उसको भी दिए थे, मैं खुद ही गया था, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है जी। बताएं सर, इस ट्रांसफार्मर में कुल कितने उपभोक्ता यूज करते हैं बिजली? लगभग 20-22 उपभोक्ता हैं इसमें। 20-22, और बिल किसी का तो नहीं बाकी? अब जला है, इसके बाद का बिल अभी बाकी होगा, नहीं तो पेट तो होगा सभी का। अच्छा, पहले का जो बिल था वो? भाई ऐसा है कि भाई 2-3 माह हो जाता है तो कम वो
क्या कहते हैं नोटिस कटने लगता है, इसके वजह से सब जमा कर देते हैं। बस यही बिल बाकी होगा अगर आया होगा तो जलने के बाद। बिजली ना आने से किन किन बातों को सबसे ज़्यादा समस्या रहता है आपका? अरे हम अब क्या बताएं सर जी, बहुत ज़्यादा समस्या रहता है। मवेशियों को पानी नहीं मिल रहा है, एक तो पहाड़ी किनारे घर है, गहराई में पानी है, लाइट ना रहने से पंप नहीं चल रहा है, मवेशियों को परेशान है। साग सब्जी लगाई थी वो भी पूरा सूख गया, फसल सूख रहा है। अच्छा, अब पीने के लिए तो भाई किसी प्रकार से आदमी जुगाड़ कर लेता है, पर मवेशियों के लिए, फसल के लिए, साग सब्जी के लिए सब सूख रहे हैं, मान लीजिए। अब क्या बताएं, बहुत परेशानी है। और यहाँ जनप्रतिनिधि जनपद वगैरह के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? वो तो बोले कि भाई चलो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, पर अभी नहीं हो रहा है। अच्छा जी, तो देख पा रहे हैं ये सराई तहसील यानी कि सराई हेड ऑफिस, बिजली विभाग के हेड ऑफिस से लगभग यह 5-6 किलोमीटर का दूरी में है। 5-6 किलोमीटर के यह दूरी में ग्राम पंचायत पोखरी टोला का मामला, आज दिनांक तक इन गरीब आदिवासी किसानों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना तो जनप्रतिनिधि का कोई कर्मचारी सुन रहा है और ना इन गरीब आदिवासियों का। तो साथियों जुड़े रहें, देखते रहें।